आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में सोशल मीडिया पर 11 लाख रुपए के कैश के लेन देन का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 11 लाख रुपए की रिश्वत लेने का है, जो कि औद्योगिक विभाग के प्रभारी संचालक को औद्योगिक कार्य करने वाली कंपनी के ठेकेदार द्वारा दिए गए हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद ठेकेदार ने अपना बयान भी जारी कर दिया है और वीडियो को पूरी तरह से फर्जी और फेक बताया है। औद्योगिक कार्य करने वाली कंपनी के ठेकेदार ने कहा है कि उनके द्वारा दिए गए पैसे पूर्व में कराए गए निर्माण कार्य में प्रयुक्त बालू के थे, जिसे विभाग के प्रभारी संचालक एपी सिंह के माध्यम से रेत कारोबारी को दिए गए हैं। दरअसल आज सोशल मीडिया में 11 लाख रुपए के कैश का लेन देन किए जाने का एक वीडियो वायरल किया गया है। वीडियो में एकेवीएन विभाग के प्रभारी संचालक एपी सिंह रुपयों से भरा बैग लेते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रीवा सहित सिंगरौली में औद्योगिक कार्य करने वाली हरियाणा की थर्मल एंड कंपनी के ठेकेदार द्वारा बतौर कमीशन यह 11 लाख रुपए दिए गए। हालांकि देश खबर 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है यह तो जांच का विषय है। वहीं उद्योग विभाग के क्षेत्रीय प्रभारी संचालक को दिए गए रुपयों को लेकर संबंधित कंपनी के ठेकेदार ने अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा वीडियो को फर्जी और फेक बताया जा रहा है। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। मैं विनोद कुमार, अथराइज्ड सिग्नेटरी मैसर्स रामपाल एंड कंपनी, रोहतक हरियाणा। हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और हम कंस्ट्रक्शन के कार्य करते हैं। ये मध्य प्रदेश MPIDC रीवा के अंदर हमारे को कुछ कार्य मिले हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। हमारे संज्ञान में आया कि कोई एक वीडियो रिलीज हुई है किसी शरारती तत्व के द्वारा। हम उसमें ये बताना चाहते हैं कि उस वीडियो के अंदर जो ED MPIDC रीवा श्री एपी सिंह जी, वो एक बैग में कुछ पैसे ले रहे हैं हमारे से, वो पैसा माननीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी जो सेडोल से आते हैं, हमारे को बालू की पेमेंट उनको करनी होती थी। बालू की जब वहाँ पे शॉर्टेज चल रही थी, तो श्री एपी सिंह जी को हमने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने हमारे को श्रीकांत चतुर्वेदी जी से मिलवाया था और अपनी जिम्मेवारी पे उन्होंने बालू का हमारे साथ उनका सप्लाई शुरू करवाई और उसकी पेमेंट की भी जिम्मेवारी उन्होंने खुद ली थी। जब जैसा कि हमारी टर्म कंडीशन हुई पेमेंट की, तो कुछ पेमेंटें हम टाइम पे नहीं कर पाए। हमारी पेमेंटें जिस तरह डिपार्टमेंट से कभी कभी आने में लेट होती रही, तो उसकी वजह से कभी कभी पेमेंटें लेट हो जाती थी, तो चतुर्वेदी जी नाराज होते थे। तो वो सिर्फ एपी सिंह जी को फ़ोन करते कि भाई आपकी पार्टी हमारे मटेरियल की पेमेंट नहीं कर रही, और जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं हमारे पास उन सब का रिकॉर्ड है। रॉयल्टी वगैरह सब 100% मटेरियल की हमारे पास अवेलेबल है। हमने काफ़ी सारा माल उनसे लिया है, जिसकी मध्यस्थता श्री एपी सिंह जी के द्वारा की गई थी। तो वो जो वीडियो रिलीज की गई है, वो हम पूरे होश हवास में कह रहे हैं वो फेक है। वो जो पैसा है, वो पैसा सारा का सारा बालू का पैसा है, और इसके रिगार्डिंग यदि कोई हमारे से दस्तावेज मांगे गए, बालू के हमने परचेज की नहीं की, वो सब दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑलरेडी MPIDC में डिपॉजिट हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। रॉयल्टी क्लियरेंस के लिए हमने काफ़ी दिन पहले उसके पत्र भी दिए हुए हैं, तो उन पत्रों के क्रमांक और डिटेल हम सारी आसानी से यदि हमारे से मांगी गई तो हम देने को तैयार हैं। तो हमारा यही कहना है कि ये वीडियो 100% फेक है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है।